नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे प्रभावी प्राथमिक शिक्षक के गुणों की। प्राथमिक स्तर पर कौन शिक्षक प्रभावी माना जाता है और उसके कौन से गुण होने चाहिए और ये क्षमताएं या गुण वो कैसे विकसित कर सकते हैं और विद्यालय में विद्यार्थियों के साथ मिलकर के अपना भी विकास कैसे कर सकते हैं। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में ज्यादा अधिगम या सीखने के प्रक्रिया को तेज करना और कम समय में ज्यादा सीखने को ही हम एक अच्छा टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट कह सकते हैं। और जो शिक्षक इस प्रक्रिया को ठीक से चला सके उन्हीं को प्रभावी शिक्षक कहेंगे। अधिगम ज्यादा होना चाहिए और तेज होना चाहिए। कक्षा एक का शिक्षक, कक्षा पांच का शिक्षक, कक्षा आठ का शिक्षक, उच्च शिक्षा का शिक्षक, सब एक ही होगा? सबों में एक ही तरह के गुण होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। कक्षा एक के विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए जो गुण होने चाहिए शायद वो उच्च शिक्षा में 18 साल के बच्चे को पढ़ाने के लिए नहीं होने की आवश्यकता है। 6 साल का बच्चा जो पहली बार परिवार के माहौल से बाहर निकलता है और विद्यालय आता है, अपने मां बाप के संरक्षण से बाहर निकलता है, वो एक ऐसा माहौल खोजेगा जहां उसको परिवार का माहौल मिले और शिक्षक के शायद यही अपेक्षाएं होंगी कि वो बच्चे को कक्षा कक्ष में ऐसा ही माहौल दे कि उसको परिवार जैसा लगे। लेकिन 11 साल का बच्चा जो शायद पांचवीं या छठी में पहुंच जाए वो ये नहीं अपेक्षा करेगा। वो 5 साल तक विद्यालय में रह चुका है तो उसको अपने दोस्तों के साथ रहने की आदत पड़ गई है और विद्यालय को भी वो अपना एक परिवार जैसा मानने लगा है, तो उसके लिए शिक्षक को जो कार्यकलाप करने की आवश्यकता है वो अलग होंगे। तो कक्षा एक के शिक्षक, कक्षा पांच के शिक्षक, कक्षा आठ के शिक्षक के गुण अलग होने होंगे और जो इन गुणों को समझ करके शिक्षण करेगा वही एक प्रभावी शिक्षक होगा और हम इसी पर चर्चा आज करेंगे। जैसे कक्षा एक और कक्षा पांच में अंतर है वैसे ही हर दिन का एक कक्षा कक्ष, हर दिन का बच्चा अलग बच्चा है, हर दिन एक नया दिन है। आपने किसी बच्चे को महीने भर भी पढ़ाया है तो ऐसा मत मान के चलिए कि आज उस के साथ वही कर सकते हैं या वही उसी रफ्तार से आप पढ़ा सकते हैं वो समझे और वो समझेगा जैसा दूसरे दिन होता है, क्योंकि हर दिन बच्चा एक नए परिवेश से निकल के आता है और शायद वो आज के परिवेश के लिए तैयार हो या ना हो। जैसे पिछली रात को अगर बच्चा देर तक जगा है, उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, उसके घर में कोई कार्यक्रम था या कहीं यात्रा में गया था या कोई सिनेमा देख रहा था तो बच्चा थका होगा और उसको नींद आती होगी, लेकिन आपकी अपेक्षाएं चूंकि उसको आपने महीने भर से देखा है अलग होंगी। तो आपको यह समझने की आवश्यकता है कि हर दिन हर बच्चा एक नया बच्चा होता है। अधिगम की प्रक्रिया शुरू करने के पहले एक बार परिचय होना चाहिए हर दिन का, ताकि आप समझ सकें आज कौन सा बच्चा कितना उत्सुक है, कितना एनर्जेटिक है, ताकि आप उसी प्रकार अपने कक्षा कक्ष के कार्यकलापों को व्यवस्थित कर सकें। आप एक शिक्षण प्रक्रिया सोचते हैं और उस तरीके से आप पढ़ाते हैं, लेकिन क्या हर दिन एक ही प्रक्रिया लगाई जा सकती है? समय समय पर अपनी कक्षा की शैक्षिक प्रक्रिया और शिक्षण पद्धति को परिष्कृत परिवर्धित करते रहें। अगर आप हर दिन एक ही कार्यकलाप करेंगे तो बच्चे बोर भी हो जाएंगे और शायद उनका मन भी नहीं लगेगा। कोई शिक्षण रणनीति अंतिम नहीं है, लगातार नए अनुप्रयोग करने की जरूरत है। एक बार हमने सोच लिया हम ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसा ही पढ़ाएंगे, तो यह ठीक नहीं होगा। हमको हर दिन समझ के, दूसरों से सीख के, बच्चों से जान करके अपने तरीके को बदलने की आवश्यकता पड़ती है, ताकि बच्चा हर दिन
एक नए माहौल का अनुभव करे ताकि वो सीख सके और नोवेल्टी का एक नयापन जो होता है उसका फायदा हो। क्या कारण है? लोग कहते हैं कि बच्चा चलता हुआ स्कूल आता है और दौड़ता हुआ स्कूल से जाता है। लोग कहते हैं कि उसको आने का मन नहीं होता है इसलिए वो चलते हुए आता है, लेकिन जब छुट्टी होती है घंटी बजती है तो वो दौड़ते हुए घर जाता है क्योंकि वो छुट्टी पाने जैसा अनुभव करता है। ऐसा क्यों है? बच्चे क्यों नहीं दौड़ते हुए स्कूल आते हैं और चलते हुए लौटते हैं? कहने की बात होगी, शायद आपके बच्चे ऐसा नहीं करते हो, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए कि बच्चे दौड़ते हुए विद्यालय आना चाहें, वो उनको विद्यालय आने की इच्छा हो। तो हम ऐसा क्या करें कि विद्यालय का माहौल ऐसा हो, कक्षा कक्ष का माहौल ऐसा हो कि विद्यार्थी आना चाहे, और तभी अधिगम बढ़ेगी और तभी हम ज्यादा प्रभावी शिक्षक माने जाएंगे। तो पहले अपने शिक्षार्थियों की मानसिक स्थिति को हम कैसे जाने, इसके लिए विशेषकर शुरुआती वर्षों में बच्चों से संवाद जारी है, बच्चों से बात करें। हम अक्सर ऐसा मानते हैं कि छोटे बच्चे अपनी बात बता नहीं पाएंगे, तो हम बड़े बच्चों से तो बात करते हैं, पूछते हैं, लेकिन छोटे बच्चों से बात नहीं करते हैं, उनसे नहीं पूछते हैं। बात करके तो देखिए, वो आपको ऐसी बातें बताएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक कक्षा ऐसा तय करिए जिस दिन आप कम बोलेंगे, बच्चों को ज्यादा बोलने देंगे, उनसे सुनेंगे, और देखिए वो आपके बारे में कैसी बातें बताते हैं। वो आपको बताएंगे कि आप क्या क्या करते हैं। कभी उनको बोलिए कि मैं कैसे पढ़ाता हूं, बता के दिखाओ। वो आपको बताएंगे कि आप क्या क्या करते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि किन चीजों से उनको ज्यादा कौतूहल होता है और किन चीजों से वो ज्यादा सीखते हैं। हम पढ़ाते क्यों हैं? हम इसलिए पढ़ाते हैं कि वो सीख सके, परंतु हमारी पूरी पद्धति परीक्षा आधारित हो गई है और हमारी उपादेयता या हमारी सक्षमता इस बात से जानी जाती है कि हमारे विद्यार्थी कितना अच्छा करते हैं परीक्षा में। परीक्षा का माहौल भी अलग होता है। कक्षा कक्ष में ली गई परीक्षा, किसी प्रतियोगिता के लिए ली गई परीक्षा, या वर्षांत में, वर्ष के अंत में जो परीक्षा होती है वो परीक्षा, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए परीक्षा, आप पाएंगे कि अलग अलग बच्चा अलग अलग माहौल में अलग तरह से परफॉर्म करता है। तो क्या आपने अपने बच्चों को अलग अलग माहौल में परीक्षा देने के लिए तैयार किया है? हो सकता है आपके कक्षा का सबसे अच्छा बच्चा, जिसको आप समझते हैं बहुत अच्छा है और परफॉर्म करता है क्योंकि आप क्लास टेस्ट में पाए हैं कि वो अच्छा करता है, शायद प्रतियोगिता परीक्षाओं में अच्छा नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आपने शायद उसको उस माहौल के लिए तैयार नहीं किया है। तो हर बच्चे की शैक्षिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि की जांच करें और तदनुसार शिक्षण योजना बनाएं। हर बच्चा हर परिस्थिति के लिए तैयार नहीं है। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसको प्रभावित करती है और आपके शैक्षिक या पढ़ाने के तरीके से भी वो प्रभावित होता है। तो यदि आप बच्चों को जानते हैं कि उनको कोई प्रतियोगिता परीक्षा देनी होगी या साल के अंत में परीक्षा देनी होगी, तो उसके लिए बारी बारी से उनको एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं, तैयारी करा सकते हैं, और आपके बच्चे इन परीक्षाओं में अच्छा करेंगे। और तब यदि परीक्षा पर आधारित, बच्चों के रिजल्ट पर आधारित आपका जांच होना है, आपके प्रभावी होने का मापदंड होना है, तो ये आपको पता चलेगा कि आपने जिसके लिए तैयारी किया वो बच्चे वैसा अच्छा कर पाए। लेकिन पूरे पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया को हम सिर्फ परीक्षा और परीक्षा परिणाम पर आधारित ना करें। सीखने के माहौल को और सीखने के गति को तेज करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। बच्चा सीख सके, और केवल आप जब पढ़ाते हैं, कक्षा कक्ष में जब पढ़ाते हैं तभी वो सीखे, ये अच्छी बात नहीं है। इसको स्पून फीडिंग कहेंगे। बच्चा पूरे जीवन अपने शिक्षक पर आधारित ना रहे कि जब शिक्षक मिलेंगे तभी सीखेंगे। सीखना
और जीवन पर्यंत सीखना, लर्निंग एंड लर्निंग टू लर्न, ये बहुत जरूरी है। बच्चों में ऐसे आदत पैदा करनी चाहिए कि वो हमेशा उत्सुक रहें, हर चीज को जानने में अपनी रुचि दिखाएं और लगातार सीखते रहें। यदि बचपन में ये आदत लग जाती है तो वो जीवन पर्यंत सीखने की प्रक्रिया को जारी रखेंगे और शिक्षा का उद्देश्य हमको लगातार सीखते रहने का ही तो है। शिक्षार्थियों की प्रशंसा करने से वो अच्छा अनुभव करते हैं और शिक्षार्थियों की प्रशंसा करने में उदार रहें। अपने हाव भाव के माध्यम से अपनी अस्वीकृतियों को व्यक्त करें, क्योंकि अपना अनुमोदन और अस्वीकृति व्यक्त करना महत्वपूर्ण है। जब आप किसी विद्यार्थी को कक्षा कक्ष में कहते हैं बहुत अच्छा किया तुमने, तो वो भी अच्छा अनुभव करता है, लेकिन दूसरे विद्यार्थी भी अपेक्षा करते हैं कि आप उनको ऐसा कहें और वो उसके लिए प्रयास करते हैं। हमेशा ये कहने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने हाव भाव से, अपने चेहरे से, अपने आंख से ये बता सकते हैं। जैसे किसी बच्चे ने अच्छा किया, बहुत अच्छा, वो बच्चा भी अनुभव अच्छा अनुभव करेगा और दूसरे भी प्रयास करेंगे कि उनको भी ऐसी स्वीकृति मिले। और कभी कोई अगर ऐसा कुछ करता है जो आप समझते हैं कक्षा कक्ष में नहीं हो, तो हमेशा डांटने की आवश्यकता नहीं है। आपकी आंखों से यह व्यक्त होना चाहिए कि यह नहीं होना चाहिए, यह नहीं करो। आपको जानना होगा कि आप अपने आंख का, अपने हाव भाव का इस्तेमाल कैसे करेंगे अपनी स्वीकृति और अस्वीकृति के लिए। शिक्षकों को सिर्फ अपनी वाणी से नहीं, अपने हाव भाव से भी यह बताना होता है, और जब आप ऐसा करते हैं तब आप एक प्रभावी शिक्षक होते हैं। हम अपना सतत मूल्यांकन करते रहते हैं, हम अपने बारे में हमेशा जानने का प्रयास करते हैं कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं। आमतौर पर तो यह हमें पता चल जाता है, जब हम पढ़ाते हैं और पढ़ा के कक्षा कक्ष से बाहर निकलते हैं तो हमें अनुभव हो जाता है कि आज की यह कक्षा कैसी रही, बच्चों ने या मेरे विद्यार्थियों ने कैसा अनुभव किया। और ये बड़े विद्यार्थी और छोटे विद्यार्थी में भेद नहीं है, आपको देख के लग जाएगा कि अगर आपके छोटे विद्यार्थी भी हैं, 6 साल 7 साल के विद्यार्थी हैं, तो वो कैसा अनुभव किया और आज की कक्षा में वो कैसा अनुभव किया। लेकिन आप और भी तरीके अपना सकते हैं। आजकल रिकॉर्ड करने के सुविधा आपके मोबाइल पर होगी, कई बार जब आप पढ़ाते हैं तो अपने लेक्चर को रिकॉर्ड करिए, स्वयं देखिए, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि आपने क्या किया कक्षा कक्ष में जो आपको लगता है कि आगे नहीं करना चाहिए। और ऐसे रिकॉर्डिंग को अपने सहकर्मियों को दिखाइए। सहकर्मी का मूल्यांकन एक अच्छी रणनीति है। कक्षा में सहकर्मी के साथ योजना बनाएं और उसका मूल्यांकन करें। आप अपने सहकर्मियों को जब दिखाएंगे तो उनसे पूछिए कि ऐसा कौन सा चीज है जो आपको लगता है मुझे बदलना चाहिए और मैं क्या करूं कि मेरा शिक्षण ज्यादा प्रभावी हो सके। आपके सहकर्मी सबसे अच्छे श्रोता हो सकते हैं, आपके अच्छे जज हो सकते हैं, जो आपको बताएंगे कि आप क्या करें कि आप ज्यादा प्रभावी हो। विद्यालय में माता पिता और प्रबंधन का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे अभिभावक अपने बच्चों पर काफी सारी चीजें लाद देते हैं। माता पिता अपने बच्चों को कहते हैं कि ये तो डॉक्टर ही बनेगा, ये पायलट बनेगा, ये अफसर बनेगा, ऐसी बातें माता पिता कहते रहते हैं और बच्चा भी अनुभव करने लगता है कि मैं ऐसा ही हूं और ऐसा ही बन सकता हूं। लेकिन शिक्षक होने के नाते आप शायद बच्चे को देख करके उसके गुणों का लेखा जोखा करके ऐसा नहीं अनुभव करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि विद्यार्थी एक अलग दुनिया में है, उसकी अपेक्षाएं अलग हैं और ये पूरी नहीं हो रही हैं, तो माता पिता को ऐसा लगता है कि शिक्षक अपना काम सुचारू नहीं कर रहे हैं। किसी दूसरे की इच्छाओं को हम कैसे मूर्त रूप दे सके, ये हम पर छोड़ दिया जाता है। देखिए,
किसी भी माता पिता के पास एक दो तीन बच्चे होते हैं, लेकिन हमारे पास 40-40 बच्चे होते हैं। इन सभी बच्चों की अभिलाषाएं अलग होती हैं, उनके कार्यकलाप होते हैं अलग होते हैं, और उनके सीखने की प्रक्रिया भी अलग होती है। इन सबको हम साथ लेके कैसे चलें, यही तो चैलेंज है हमारे लिए। और शिक्षक होने के नाते हम इसको पूरा करते हैं और तभी हम प्रभावी माने जाते हैं। तो आपको यह जानना होगा कि बच्चों से सुने, अभिभावकों से सुने, और अभिभावक जब आपसे मिलने आते हैं पेरेंट टीचर मीटिंग में, तब आप उनको बताएं कि आपके बच्चे में कौन से ऐसे गुण हैं, वो क्या कर सकता है, और उनको आप बता भी सकते हैं कि आप अपने बच्चों से क्या अपेक्षा करते हैं और क्या करना चाहिए, ताकि वो आगे से अपना बोझ उस पर न डालें। यह काम आमतौर पर शिक्षकों का नहीं होगा, परंतु यह ऐसा करना अच्छा होगा ताकि आपका काम आसान हो जाए। जो भार माता पिता देके भेजते हैं वो आप कम कर सके। बच्चों की क्षमताओं और अकुशलताओं के बारे में अपने प्रबंधन को जागरूक करें। प्रबंधन हमेशा चाहेगा कि सभी बच्चे समान रूप से प्रदर्शन करें, लेकिन यह पूर्णतः संभव नहीं है। इसलिए प्रबंधन को शिक्षित, जागरूक या सूचित करते रहें। विद्यालय प्रबंधन क्या चाहता है हमसे? कि सारे बच्चे 95% अंक पाएं? यह संभव नहीं है। कोई बच्चा अंग्रेजी में रुचि रखता है तो अंग्रेजी में ज्यादा नंबर आएगा, कोई हिंदी में रखता है तो हिंदी में आएगा, कोई गणित में रखता है तो गणित में अच्छे अंक लाएगा, लेकिन सभी विषयों में सब बच्चे एक जैसा करें यह संभव नहीं है। यह प्रबंधन नहीं सोचता है, तो वो हमसे अपेक्षा करता है कि सभी बच्चे 95% अंक लाएं। यह दोनों बातों को ख्याल रखना होगा। हमारे बच्चे अलग अलग परिवारों से आते हैं, तो उन सब बच्चों को हम एक जैसा पढ़ाते तो हैं, लेकिन वो एक जैसा रिफ्लेक्शन नहीं करते हैं। ये बात माता पिता को समझाएं और प्रबंधन को भी समझाएं। हमारे ऊपर अपार भार होता है। हम माता पिता के जो अपेक्षाएं हैं, प्रबंधन की अपेक्षाएं हैं, उन दोनों को साथ लेकर के कैसे चल पड़े। और जैसा हमने कहा कि हमको बच्चे भी बताते रहते हैं कि हम कैसा पढ़ाते हैं, लेकिन जब आप बच्चों से बात करते हैं, उनकी कहानियां सुनते हैं, या वो आपको कुछ बोलते हैं, तो उसका प्रभाव आप पर कैसा पड़ता है यह ध्यान रखें। मैं एक आपसे वाक्य साझा करना चाहूंगा। एक बच्चा था जिसको उसके माता पिता किसी स्कूल काउंसलर के पास ले गए और काउंसलर ने पूछा कि तुम्हारी शिक्षक कैसे पढ़ाती है। उसने कहा कि बहुत अच्छा पढ़ाती है, लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत कड़ी है, वो कई बार हम लोगों को पिटाई भी कर देती हैं, कक्षा कक्ष के बाहर खड़ी भी करती हैं, फिर हमको मुर्गा भी बनना पड़ता है। क्योंकि ये काउंसलर थी तो उन्होंने बच्चे को बताया कि अरे तुमको थप्पड़ लगाती है, तुमको कक्षा कक्ष के बाहर खड़ी करती है। कहाँ, वो तो बहुत गुस्सेबाज हैं। कहा नहीं, ऐसा नहीं कर सकती हैं, अगर अगली बार करें तो उनको बोलना कि मैडम आप ऐसा नहीं कर सकती, अगर आपने हमको पिटाई किया तो आपकी नौकरी चली जाएगी, ऐसा नियम है। दूसरे दिन बच्चा गया और उसने शिक्षिका को अपने कहा कि मैडम अगर आपने हमको मारा, अगर हमको आपने पिटाई की, मुर्गा बनाया, तो आपकी नौकरी चली जाएगी, ऐसा मना है कानून से। शिक्षिका बहुत नाराज हुई। जब पेरेंट टीचर का मौका आया तो शिक्षिका ने उसके अभिभावकों से कहा कि आपका बच्चा तो बड़ा इनडिसिप्लिन्ड है, बड़ा उद्दंड है, यह मुझको बताता है कि मेरी नौकरी चली जाएगी अगर मैं इसकी पिटाई किया तो। माता पिता ये पूरे वाक्य को सुनकर के दोनों बातों को रिलेट किए कि उस काउंसलर ने इस बच्चे को क्या कहा था और यह बच्चा जाके माता अपने शिक्षिका को क्या कहा और इसका क्या प्रभाव शिक्षिका पर पड़ा। शिक्षिका ने इस बच्चे को बिल्कुल अलग थलग कर दिया, इस पर ध्यान देना छोड़ दिया, और ये बात उन्होंने माता पिता को ही बताया कि आपका बच्चा बड़ा उद्दंड है। शिक्षिका भूल गई कि ये वो अपने मन से बोल ही नहीं सकता था, इसको किसी ने कहा होगा ये बात। उनको ये सुनकर के
और बच्चे का एक्सपोजर क्या है, बच्चा किन लोगों से मिल रहा है, बच्चा कैसी बातें सुन रहा है, यह सोचना चाहिए था इसके बजाय कि वो बच्चे पर नाराज हों और बच्चे पर ध्यान देना छोड़ दें। माता पिता अपने बच्चों को हम पर छोड़ के जाते हैं। माता पिता पर एक दो तीन बच्चों का भार होता है, हम पर 40-40 बच्चों का भार होता है और हम दायित्व तो लेते हैं, क्योंकि शिक्षक होने के बड़े दायित्व तो हैं, बड़ा भार है, लेकिन इसका जो रिवॉर्ड है वो भी बहुत बड़ा है। कोई भी माता पिता के दो तीन बच्चे ही उनको कहेंगे कि मां या पिताजी, आपने जो हमारे लिए किया और आपके कारण जो मैं बन सका उसके लिए धन्यवाद, या मैं अपने को धन्य मानता हूं कि आपका पुत्र हुआ या पुत्री हुई। लेकिन अंदाज कीजिए, पूरे जीवन काल में हम कितने बच्चों को पढ़ाते हैं? हजारों बच्चे लौट के आते हैं और वो पांव छू के कहते हैं कि आपने ही पढ़ाया और आपके ही कारण मैं यहां हूं। हम हजारों बच्चे के मां बाप बनते हैं। तो ये भारत बड़ा है लेकिन रिवॉर्ड भी बड़ा है। हमारे इतने बच्चे होते हैं कि हम दुनिया भर में अपने बच्चों के बदौलत जाने जाते हैं। तो हमारे वांग्मय में ऐसा है। आप कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, आप उनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहां बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए जो बहुत प्रभावी हुआ है। गुजरात के गिजुभाई वदेका ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। वो एक पेशे से वकील थे लेकिन उनकी रुचि बच्चों में थी, पढ़ने पढ़ाने में थी। उन्होंने विद्यालय में जाकर के बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और वो जाने जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि हम गिजुभाई वदेका के एक्सपेरिमेंट्स को नहीं पढ़ते हैं। उनकी किताब कभी निकाल के जरूर पढ़िए, दिवा स्वप्न। गिजुभाई वदेका ने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स को अपनी पुस्तक दिवा स्वप्न में लिखा है और वो उपलब्ध है, उसको कभी पढ़िए। गिजुभाई ने क्या क्या किया? पहले बच्चे बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते थे। गिजुभाई जब धीरे धीरे उनके साथ एक्सपेरिमेंट करते रहे, उनकी रुचि बढ़ती रही और ये सारे बच्चे एक जैसा सीखने के माहौल में बड़े हुए और उनके अधिगम की जो रफ्तार थी वो भी बढ़ी। ऐसे ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने बड़े अच्छे अपने लेक्चर्स दिए हैं, जिनको कि हम इंटेग्रल ह्यूमनिज्म, एकात्म मानव दर्शन के नाम से जानते हैं। कभी निकाल के उसको पढ़िए। मुझे एक वाक्य याद रहा, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है कि हम पेड़ लगाते हैं, उसमें पानी डालते हैं कि पेड़ बड़ा होगा और फल होगा। हम पेड़ से या पौधे से यह तो नहीं अपेक्षा करते, उसको नहीं कहते हैं कि मुझे पैसा दो तब मैं तुम्हें पानी पटाऊंगा। हम ऐसे ही अपने बच्चों को सींचे, इनको तैयार करें, इनमें पानी खाद डालें ताकि ये बड़े होके बड़े वृक्ष बन जाए और फल लगे, तब हम उसका ग्रहण करेंगे। तो बच्चों को हमें संजोना पड़ता है, उनको प्यार से बढ़ाना पड़ता है ताकि वे बड़े होकर के इतना बड़ा हो जाएं कि इतने फल लगें कि हम उसका सेवन कर सकें। हमारी परंपरा रही है कि हम गुरु को गोविंद से तुलना करते हैं, लेकिन क्या कारण हुआ कि आज गुरुओं की यह स्थिति है? कई बार कहा जाता है कि हम शिक्षक इसलिए बनते हैं क्योंकि और कुछ नहीं मिला। हो सकता है हमें से कई लोगों के जीवन में ऐसा हो कि हमें कोई दूसरी नौकरी पसंद थी लेकिन वो नहीं मिला तो हम शिक्षक बने, लेकिन अब तो शिक्षक बन गए हैं, हमको वो करना चाहिए जो हमसे अपेक्षित है। कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु को गोविंद से ऊपर का दर्जा दिया गया है। अगर गोविंद से मुलाकात होगी, भगवान के दर्शन होंगे, तो तभी होंगे जब गुरु आपके पास होगा। और सौभाग्य की बात है कि हम और आप गुरु बने हैं या यह मौका लगा है। तो हमेशा अपने को जज करें, अपने पढ़ने पढ़ाने के तरीके को जज करें और सतत प्रयास करें कि आप बेहतर बनते जाएं। और कोई भी शिक्षक, महान शिक्षक पैदा नहीं होता है, यह ट्रेनिंग का विषय है कि हम कैसे पढ़ते हैं और कितना ट्रेंड होते हैं और कैसे लगातार प्रयास करके एक बेहतर शिक्षक बनते हैं। तो अगर आप एक बेहतर शिक्षक बनना चाहते हैं, एक प्रभावी शिक्षक बनना चाहते हैं, तो मेरे
तरफ से दो तीन चीजें। एक, लगातार प्रयास करिए और यह जानिए कि नई कौन सी चीजें आई हैं जिनको आपको सीखना चाहिए ताकि आप अपने कक्षा कक्ष में उसको बता सकें और लागू कर सकें, कंटेंट के लेवल पर और प्रोसेस के लेवल पर, कैसे पढ़ाया जाए और क्या पढ़ाया जाए। विद्यार्थियों से जानने की का प्रयास करिए क्योंकि वही आपको सबसे बढ़िया आकलन दे सकते हैं कि आप कैसा पढ़ाते हैं। अभिभावकों से पता करिए और अपने सहयोगियों से पता करिए कि आप कैसा पढ़ाते हैं। शिक्षक बनना आसान काम नहीं है, मुश्किल का काम है, लेकिन हमने आपने तय किया है कि हम शिक्षक बनेंगे और हम अपने बच्चों को ऐसा बनाएंगे कि वो अपने जीवन में लगातार खुश रहें और सीखने की प्रक्रिया उनकी जारी रहे ताकि वो लगातार ऊपर जाते रहें। आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों ने चर्चा किया है कुछ ऐसे बिंदुओं की जो हमें प्रभावी शिक्षक बना सके। इसमें और कई सारे विषय जोड़े जा सकते हैं और चर्चा लंबी हो सकती है, परंतु आज हम इतनी ही चर्चा करेंगे और आप आपस में मिलकर के बात करें, अपने सहयोगियों से बात करें और ये हमेशा जानने की कोशिश करें एक प्रभावी शिक्षक कौन है और उसको क्या करना चाहिए कि वो लगातार प्रभावी बना रहे या उसके प्रभाव में बढ़ोतरी होती रहे, वो कैसे बेहतर हो और उसको अपने जीवन में उतारिए। मैं आशा करता हूं कि इन विषयों से, इन बिंदुओं से आपको कुछ मार्गदर्शन मिलेगा और आप इस पर प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।